मत बनिए। उफ तुम लोग ना मतलब क्या खा के आते हो भाई, रोटी खा के आते हो कि नहीं आते? ये पहले गोदी मीडिया मत था, उधर मोदी का मत्था टेक के आते हो। वो दिवाली तोहफा नहीं था, जो तेल कम गया वो थप्पड़ था। ममता जी ने हवा टाइट कर दी थी कि बंगाल में ईवीएम नहीं चली। ममता ममता जो चल करके चिल्लाते थप्पड़ बजा मुंह पे, और ऐसे ही आगे भी बजेगा। आप गोबरलों की बात मत करो जिनका दिमाग गोमूत्र पी के और गोबर खा के चलता है। फिर राम मंदिर शुरू हो गया इनका, फिर इनका हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे करवाएंगे। इनका सब यही स्ट्रेटजी है। लोग बहुत लोग पक चुके हैं। इनकी सिर्फ एक ही चीज की स्ट्रेटजी होती है, दंगे करो, गुंडाई करो, नफरत फैलाओ, एक दो को पीटो। ये जो दो तीन औरतें गोदी मीडिया की, ये जेल में बैठी हुई थी आर्यन खान के साथ। संविधान से बड़ा इस देश में कुछ नहीं। 12 लाख दिए वो ऐसे नहीं चले, लोगों का तेल निकाल के चारों तरफ से 12 लाख दिए चला दिए योगी सरकार। ये वोट मांगेगा बेवकूफ इंसान राम मंदिर पे। ये सरकार जो छोटे राज्यों पे जो जो चुनाव हुए छोटे लेवल पे, इस सरकार ने मुखी खाई है। बनिए उफ तुम लोग ना मतलब क्या खा के आते हो भाई, रोटी खा के आते हो कि नहीं आते? ये पहले गोदी मीडिया मत था, उधर मोदी का मत्था टेक के आते हो। आम जनता की आवाज है, आम जनता प्रताड़ित है, आम जनता प्रताड़ित थी इसलिए भाजपा चुनाव हारी। वो दिवाली तोहफा नहीं था, जो तेल कम गया वो थप्पड़ था, जो चुनाव जो बीजेपी हारी ना चार राज्यों में चार जगह पे। ये वो कौन से चुनाव हुए थे, क्या कहते हैं, उपचुनाव में। उपचुनाव में जो बीजेपी हारी है ये उसका थप्पड़ था, और पता चल गया, घबराहट मच गई, सनसनी मच गई कि ये हो गया, क्योंकि वहां पे तो ईवीएम मैनिपुलेट कर नहीं सकते। बहुत छोटे छोटे चुनाव है, ईवीएम तो रखे बड़े चुनाव के लिए। अभी जो योगी का जो सपना देख रहे हैं सीएम बनने का हमारे योगी जी ढोंगी जी, वो वहां का इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो छोटे छोटे चुनावों ने जो जनता की आवाज ही थी, जो आप कह रहे हो जनता बाहर निकल के नहीं आती, जरूरत मैं कहती हूँ जनता को नहीं है, कोई बात नहीं, हम है ना, हम लोग कर लेंगे जनता का भी वो काम, लेकिन जनता चुनाव के टाइम पे तमाचा मारेगी जी। लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं ना, लोकतंत्र में सर ही होंगे, वही देखोगे आप आने वाले चुनाव पे। आप देख रहे हो ना, देखो जब आप कोई रिसर्च करते हो ना बड़ी, तो पहले पायलट स्टडी करते हैं, पायलट स्टडी करके रिजल्ट देखा ना, अब ये जनरलाइज करो सैंपल को आगे, अब देखना आगे क्या थप्पड़ पे थप्पड़ बचते हैं। चुनावों में ऐसा हुआ, उपचुनाव बीजेपी हारी और वैसे चुनाव जीत गई है। हाँ तो वो मैं तभी तो बोल रही हूँ, छोटे लेवल पे थोड़ी ना घोटाला किया जाता है, घोटाला ये बड़े लेवल पे करते हैं। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं जब आप ये कवर करो ना, तो इस बार आप लोग भी जहाँ पे चुनाव जब होंगे ना, तो जहाँ ईवीएम इस्तेमाल हो रही होगी ना, वहाँ भी कवर करने जाना, वहाँ भी लोगों से पूछना किसको वोट दिया, किसको वोट देकर आया, क्या करके, ठीक है वो आपका एंटाइटल, आप नहीं बताओगे किसको देकर आया। बंगाल तो अच्छी बात है ना, ममता जी ने हवा टाइट कर दी थी कि बंगाल में ईवीएम नहीं चली, वरना वहाँ भी करते, वहाँ पे भी जहाँ जहाँ कर सकते थे करे, लेकिन ममता ने इतनी अच्छी हवा टाइट कर दी इनकी दीदी ने मोदी जी की, ममता ममता जो चल करके चिल्लाते थप्पड़ बजा मुंह पे, और ऐसे ही आगे भी बजेगा। और इसी तरीके से जो देश का युवा जागरूक हो रहा है, देश की जनता जागरूक हो रही है, जरूरी नहीं है कि अब इतने लोग हैं जहां सारा दिन मोदी मीडिया मोदी 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 करती रहती है, वो थोड़ी ना आम जनता की आवाज़ बताएगी। आप मुझे बता दो कोई चैनल अभी महंगाई पर बात कर रहा हो, कोई चैनल अभी जो युवा बेरोजगार है उस पर बात करो, कोई चैनल SSC के जो छात्र जो लोग यहां पे बैठे हैं नौकरी के लिए जिनका रिजल्ट नहीं आया, इनकी बात कर रहा हो, करेगा नहीं करेगा? क्योंकि जो आका कहेगा वो तो वही बोलेगा ना, जिसके हाथ की कठपुतली हुआ। नहीं कोई गुलमूल नहीं है भाई, मेरे कोई गुलमूल नहीं है, सीधे क्लियर चीज है, जो सुरक्षा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे बात करेगा उसको इस चुनाव में वोट मिलेगा। युवा जागरूक है। आप गोबरलों की बात मत करो जिनका दिमाग गोमूत्र पी के और गोबर खा के चलता है, उनकी बात हम नहीं कर सकते। वो अभी भी मोदी मोदी, हिंदू मुस्लिम में कोई वोट नहीं होगा, क्योंकि सर क्योंकि लोग समझ रहे हैं जो अभी इस समय योगी जी का ढोंग चल रहा है ना, जो एक योगी का ढोंग चल रहा है, वो दुनिया प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, और वो देख रही है लोग कि जिस तरीके से अभी फिर राम मंदिर शुरू हो गया इनका, फिर इनका हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे करवाएंगे, इनका सब यही स्ट्रैटेजी है। लोग बहुत लोग पक चुके हैं, उनको स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। युवा उल्टा सड़कों पर निकल के आ रहा है अपनी आवाज़ तेज करने के लिए, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए। इसलिए किसान आंदोलन पर अब एक साल होने को आ गया ना, लोग बैठे, अगर इतनी हिम्मत होती तो कर देते, लाख कोशिश कर ली बदनाम करने की, हर कोशिश कर ली कि उस आंदोलन को खत्म करने की, लेकिन हटा क्या? सच की आवाज़ इतनी जल्दी हटती है? नहीं हटेगी ना। कहाँ बदनाम कर रहे हो, तो सहयोग कर रहे हैं आपका। क्या सहयोग कर रहे हैं? खट्टर जी कह रहे हैं तो हमारे ही अपने लोग हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। खट्टर जी तो थे जो कह रहे थे डंडा उठाओ जेल में जाओ मारो एक आधे को, ऐसे ही नेता बनते हैं वो। खट्टर जी थे ना, अगर मैं गलत हूँ तो, वो खट्टर जी थे ना, तो फिर वो कौन से खट्टर जी? इनका ना दीन है ना ईमान है, ये एक्चुअली गुंडे हैं। तो जो गुंडे होते हैं ना, उनका कोई उनका इनकी सिर्फ एक ही चीज़ की स्ट्रैटेजी होती है, दंगे करो, गुंडाई करो, नफरत फैलाओ, एक दो को पीटो, जेल में जाओ, जेल में भी अपने लोग बैठे हैं, उसके ऊपर भी अपने लोग बैठे हैं, उनको कोई उन पर मुकदमे भी नहीं लगेंगे, बेल भी होगी तो दूसरे दिन बाइज्जत बरी हो जाओगे। ऐसे थोड़ी ना आर्यन खान का मुद्दा बना। आर्यन खान की जो
रात दिन कहाँ सुसु गया, कहाँ पोटी गया, कहाँ क्या खाया, वो एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से चलाई ये दिखाने के लिए कि देखो जो दुनिया का सबसे बड़ा देश का सुपरस्टार है शाहरुख खान, उसके बेटे को भी सरकार ने नहीं बख्शा, उसके बेटे पीछे चाहे आप जितने मर्जी हो लोगों के दिमाग में स्ट्रैटेजी डाल दी। अब पढ़े लिखे युवा हम जैसे जो कि किस्मत से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते, हमारी आवाज़ बुलंद है। और कुछ आप जैसे पत्रकारों का शुक्रिया जो दिन रात धूप में बाहर जाके सच की आवाज़ उठाते हो और सच दिखाते हो, पता नहीं भाई कब तक दिखाओगे, लेकिन जब तक दिखा रहे हो अभी तक जेबें नहीं गर्म हो रही होंगी वहाँ से, और अगर ईमान रहा तो आगे भी नहीं होंगी ना होंगी, बता दो भाई अपने पे पैन कैमरा पैन करके होंगी आप करना है? तो कर देना, हाँ हम दे देंगे आप विश्वास रखिए, जिस दिन हमारे पास पैसे आए हम लोग जरूर आप लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि आप लोग सच की आवाज़ उठाते। तो वही चीज़ है, वो लोग ये चीज़ें नहीं दिखा रहे। आर्यन खान का इसलिए दिखाया कि क्या खाया क्या पिया सब पता है, वो बंदी जो ये मीडिया चला रही थी ना, ये जो दो तीन औरतें गोदी मीडिया की, ये जेल में बैठी हुई थी आर्यन खान के साथ। क्या विचार है आपका, आप किसान आंदोलन की बात कर, देखिए मैं हम सीधी सी बात है कि जो भी इंसान कानून को अपने हाथ में लेगा, विच आई मीन दैट वी डोंट हैव यू नो, जिसपे लोगों का पिछले कुछ सालों से इस तरीके की हादसे होते आए हैं कि जहाँ पे फेयर जो है ट्रीटमेंट नहीं मिलता, जो पुलिस वाले हैं वो जाति देखकर अपना यू नो काम करते हैं, फैसला सुनाते हैं, या जाति देखकर जैसे आप किसी रेपिस्ट को ही मान लीजिए, ये पहला ऐसा देश होगा कि आरोपी के लिए या रेप करने वाले के लिए जाति देखकर उसका फैसला लिया जाता है कि उसको सजा क्योंकि, तो लोगों का विश्वास नहीं है सिस्टम में, लोगों का विश्वास नहीं है कानून प्रति क्या होगा, कानून क्या करेगा या पुलिस वाले क्या करेंगे, विश्वास नहीं है। बट मैं फिर भी ये चीज़ कहती हूँ, सुनिए वही मैं कह रही हूँ, मैं उसी चीज़ पर रहूँ कि किसी भी इंसान को इस देश में जब तक संविधान है और संविधान रहे हमेशा, किसी भी इंसान को कानून को अपने हक हाथ में लेने का कोई भी वो नहीं बनता हक। अगर आपने कानून को हाथ में लिया तो सबसे बड़ा गुनाह आपने किया है। आपको अगर मैं अभी भी ये चीज़ कहती हूँ कि लखबीर हत्याकांड जो था वो बहुत गलत चीज़ थी, अगर किसी भी, मैं खुद सिख परिवार से आती हूँ, मैं इस चीज़ की इज्जत करती हूँ कि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है गुरु ग्रंथ साहिब, हम लोगों के लिए लिविंग गॉड है, जो लोग मतलब इस चीज़ के लिए जो जिन से बड़ा तो नहीं है, दैट्स मैं आप ही की चीज़ पे आ रही हूँ, संविधान से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन आर कंट्री। आई अगेन आई एम सेइंग, मैंने तब भी कहा अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पे फॉलो करते हैं, आप डॉक्टर रितु सिंह ऑफिशियल को जाकर देखिए, मैंने हर जगह स्टेटमेंट दी कि इस देश में संविधान का राज है, इस देश में संविधान सबसे ऊपर है। लेकिन बाबा साहब ने भी यही कहा था, अगर आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ा तो कहा था कि संविधान जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो लेकिन अगर उसको चलाने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान बुरा ही कहलाया जाएगा। तो जो लोगों का विश्वास नहीं है इन चीज़ों में तो वो इन लोगों, इन जैसे गुंडे, इन जैसे सांप्रदायिक कम्युनल दंगे करवाने वाले लोगों की वजह से ही है। बट किसान थे गुंडे, कौन किसान थे, हाँ वो गुंडे नहीं थे, मैं नहीं कह रही कि वो गुंडे थे, जो भी उन लोगों ने किया, आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा एंड ऑन रिकॉर्ड, दैट वॉज रॉन्ग। आप लोगों को अपने हाथ में कानून नहीं लेना, आप जहाँ पे भी बैठे हैं देर इज लॉ, आप प्रोटेस्ट करें, आप कानून के हवाले करें, अगर कानून आपको लग रहा है डिले कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि पुलिस डिले कर रही है, प्रोटेस्ट करें, बैठ जाएं अपनी मांग के लिए वहाँ पे, जब तक होगा आप तब तक अपनी मांग करें, बट संविधान के दायरे में रह के। लग रहा है आपको नौकरी मिलेगी, ये हालात देखकर जो देश में हाल चल रहे हैं, नौकरियाँ आपसे छीनी जा रही हैं। मेरी एग्जांपल ले लो, अगर आप नौकरी पे हो, और सबसे बड़ी बात कि अगर आपके मुंह में ज़ुबान है तो वो नौकरी छीनी जाएगी। और जो सरकार आई ही एजेंडा से है कि सारे जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, नौकरियाँ कहाँ से मिलती है, पब्लिक सेक्टर आपको नौकरी देता है ना, पब्लिक सेक्टर को जब प्राइवेट सेक्टर बना दिया, सारा कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया, तो नौकरी कहाँ बचेगी, तो गवर्नमेंट जॉब्स तो वैसे ही नहीं रहेंगी। तो जब गवर्नमेंट जॉब ख़त्म करने की नीति है, जैसे आप अभी किसान आंदोलन जाती है ना, आप कवर करती है किसान आंदोलन को, किसान आंदोलन क्या है, जो एक ऐसा क्षेत्र था जिसके सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमें मिलता था और जो सबसे बड़ा हमारी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, तो जब उसको नहीं छोड़ रहे, वो प्राइवेट कर रहे हैं, वो पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं, तो फिर ये बच्चे क्या, ये तो इनका, तो ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं ये इतना बड़ा स्कैम है, जितने ये अपने हक के लिए यहाँ पे बैठे हैं, तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये सब बेच देंगे। आप देख रहे हो जिस तरीके से 12 लाख क्या था दिए, जब 12 लाख दिए वो ऐसे नहीं चले, लोगों का तेल निकाल के चारों तरफ से 12 लाख दिए चला दिए योगी सरकार, इस सरकार ने, तो फिर आप उससे क्या चाहती हैं कि अभी आपको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे, नहीं, ये वोट मांगेगा बेवकूफ इंसान राम मंदिर पे, मंदिर तो बना दिया ना उन्होंने, हाँ दिए जला कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वो भी बनना चाहिए दिए जला के, कि लोगों घर पे चूहे नहीं जल रहे और आपके घर, आप
देश में दिए जला रहे हैं। तभी तो मैंने आपको भी कहा कि पूरे चारों तरफ से एक आम जनता गरीबों का तेल निकाल के दिए जला दिए 12 लाख। और ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना चाहिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड आप लोगों ने देखा था कि जब देश भुखमरी की कदार पे आ चुका है तो उसका भी रिकॉर्ड बना था 101 नंबर पे। वो कौन बताएगा? आप इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखाएंगे? और ये गोदी मीडिया वाला काम मत कीजिए, क्योंकि जनता को आप लोगों पर विश्वास है, विश्वास मत तोड़िए लोगों का। जी पकौड़े तो तल रहे हैं, और ऑप्शन क्या है जनता के, हम लोगों के पास, यूथ के पास ऑप्शन क्या है? जब सरकार सब कुछ बेचकर पूंजीपतियों के हाथों में दे रही है, सब कुछ बेचकर, पूंजीपति कौन, विच मीन्स कि पूरा कैपिटलिज्म लेकर आना है, सारी चीज़ें जो देश की है, मूलभूत चीज़ें सब इनकॉर्पोरेट हाथों में देना है अंबानी अडानी के, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। पेट्रोल महंगा हुआ, जबकि आप लोग ध्यान से देखिए, ये सरकार मुँह की खा रही है। ये सरकार जो छोटे राज्यों पे जो चुनाव हुए हैं छोटे लेवल पे, सर इस सरकार ने मुँह की खाई है। अभी आपने लेटेस्ट, तभी कैसे फटाफट से 5 रुपये डीजल कम हो गया, 10 रुपये महंगा किया और 5 रुपये कम कर दिया, कोई फायदा नहीं है उसमें, वो मूर्ख बनाने का काम है जनता को। लेकिन क्यों किया? तोहफा दिया है दिवाली का, मार कंटाप देंगे ना, यही चीजें हैं जो मूर्ख बनाती हैं कि भैया तोहफा देंगे। किस चीज का तोहफा देंगे? दे दिया। किस चीज का तोहफा दिया? 10 रुपये ज्यादा किया और 5 रुपये कम कर दिया, ये वही था कि मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ना अच्छे से पूरा स्टैट्स क्लियर करके यहाँ पे आना चाहिए। बस ये वही काम होता है कि जो मोदी जो गोरी मीडिया वहाँ बैठ के करिए ना, तोहफा दे दिया दिवाली का, तोहफा दिया, जेब में से पैसे निकाल के लेके गए 1 लाख रुपए, आकर डाल दिए 50,000 रुपये, देखो तोहफा दिया। ये वही तोहफा दिया आप लोगों को, ये वही तोहफा दिया कि जिस तरीके से आप लोगों के हर एक चीज़ को बेच दिया और सुंदर लोगों के हाथों में बेच दिया और बोला देखो जी कितनी डेवलपमेंट होगी यूपी में, देखो कितनी अच्छी सड़कें बन दी, बड़े बड़े मॉडल बना दिए, जेब में पैसा नहीं है, वो मॉडल या वो सड़कें आपको रोटी देंगी और वो सड़कें भी कोई नहीं, सब जुमला दिखावा है। बात कर रहे हैं पर आम जनता सड़कों पे नहीं है, चाहे तेल 200 हो जाए, आम जनता सड़कों पे नहीं है, हम आम जनता नहीं है, मैं क्या हूँ, मैं आम जनता नहीं हूँ, कौन 2000 तो बोल रहे ना जनता की आवाज बन के, तो जनता हम 2-4 लोग नहीं है, आप लोगों को कवर करना चाहिए ढंग से, नहीं भागीदारी कम दिख रही है, बिल्कुल नहीं, सबकी है।